खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली नगर निगम के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर पेच फंसने के कारण 26 अप्रैल को प्रस्तावित मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब सवाल है कि आखिर इस चुनाव को टालने के पीछे की क्या है असली वजह, आखिर मेयर का चुनाव क्यों टालना पड़ा, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने को लेकर आखिर कौन है जिम्मेदार, आइए समझते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मेयर का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेना जरूरी होता है, इसलिए दिल्ली नगर निगम ने चुनाव आयोग के पास NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फाइल की, जिसके बाद MCT का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव रद्द कर दिया है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री की इजाजत नहीं मिली है, इसलिए दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के सचिव द्वारा नोटिस में लिखा गया है कि DMC अधिनियम 1957 की धारा 77A के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन जरूरी है, ऐसे में फिलहाल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं है। राजनिवास ने उपराज्यपाल की ओर से एक पत्र जारी किया है। LG नोट में ये भी कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी के नाम के सुझाव के लिए चीफ सेक्रेटरी ने फाइल CM ऑफिस को भेजी थी। 22 अप्रैल को CM ऑफिस ने फाइल ये कहकर वापस कर दी कि CM जुडिशियल कस्टडी में है, इसलिए वह इस मामले में कोई सुझाव नहीं दे सकते। सामान्य तौर पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव CM ही देते हैं। वहीं दूसरी ओर MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने BJP पर गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार को दिखाए बिना फाइल गुपचुप तरीके से LG के पास भेज दी गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि BJP के पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाना और उसके जरिए चुनाव में बेईमानी करने की साजिश भी हो सकती है, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार को छुपाएं और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कराएं। वहीं दूसरी ओर इस पर पलटवार करते हुए BJP प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज मेरा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर विवाद करने से पहले यह बताएं कि बिना पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के चुनाव क्यों घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों का नगर निगम सदन में नामांकन भी विवादित है, क्योंकि उसमें भी नियमानुसार फाइल पर CM की सिफारिश होनी जरूरी थी। अब आगे क्या होगा, MCD में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में दो बड़े सवाल हैं। पहला, अब चुनाव कब होगा और दूसरा, तब तक निगम का काम कैसे चलेगा। शहरी विकास विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी ने MCD कमिश्नर को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बने रहेंगे और निगम के कामकाज चलाते रहेंगे।